देवी प्रणमामि प्रिय वृंदावे तुलसी देवी प्रिया केशवस्तुज कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवती नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद सदन हाथ धरो बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद प्रथमा नित्यलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिद्धा गुरुपाद प्रथमा नित्यलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांतला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं जथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। कहते आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है। कहते श्री पूनम दीदी अपना पूर्वजों का शांति दिलाने के लिए विशेष करके उनके परिवार में श्री मदन लाल सेठ जी इंदिरा सेठ और श्री राजेश सेठ इनकी आत्मा को शांति मिले इनको भगवत चरण में प्रेम भक्ति हो आत्मा को कल्याण हो इसकी उपलक्ष्य में उन्होंने ये श्रीमद् भागवत कथा को उन्होंने आयोजन किया है। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते हैं कि जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर हमारे पास में पैसा की बल हो जो काम हम कर सकते हैं। जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर हमें कोई मदद करने वाले कोई हो जो काम को हम कर सकते हैं। तो जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर हमारे पास में पैसा की बल हो लोग मदद करने वाले हो मन की बल हो जो काम को हम कर सकते हैं। तो गुरु जी कहते अगर आत्मा का बल भी हो कोई काम को हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत कथा रखना और ये भागवत कथा श्रवण करना गुरु जी कहते थे न तो कोई पैसा बल से रख सकते हैं न तो कोई मन बल से रख सकते हैं न तो कोई धन बल से रख सकते हैं न तो कोई आत्मा बल से नहीं रख सकते। जब तक ठाकुर जी की गुरु जी की कृपा की बल नहीं हो कभी ये भागवत कथा कोई रख भी नहीं सकते ये कथा कोई सुन नहीं सकते। इसलिए जब तक ठाकुर जी की विशेष कृपा हो तभी ये भागवत सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लब्धम। कहते एक जन्म नहीं बोले जन्मांतरे मतलब करोड़ों करोड़ों जन्म का जब कोई पुण्य उदय हो तभी ये भागवत कथा को कोई श्रवण कर सकते हैं कथा को कोई सुन सकते हैं। साधारण व्यक्ति रख भी नहीं सकते और ये भागवत कथा साधारण व्यक्ति सुन भी नहीं सकते भागवत कथा को। इसलिए ये बात शंकर जी पार्वती को भी यही बात कहते हैं बोले पार्वती बोले जगत में सब चीज सुलभ है लेकिन पार्वती जगत में एक चीज बड़ी दुर्लभ। तब मैया पार्वती प्रश्न करती है बोले प्रभु जगत में किस चीज की आप दुर्लभता बता रहे हो। कौन कह रहे हैं शंकर जी जो सत्यम शिवम
सुंदर बोल रहे हैं किसको? पार्वती को। मतलब सुनने वाले जो व्यक्ति वो भी साधारण नहीं, और जो बोलने वाले व्यक्ति है ना वो भी साधारण नहीं। जैसे एरे गेरे कोई व्यक्ति बात बोलते हैं, अरे इस बात में क्या महत्व है, लेकिन अगर शंकर जी किसी बात को कहते हैं ये कोई साधारण बात नहीं। देखो शंकर जी क्या कहते हैं, बोले सत संगति दुर्लभ संसार, पार्वती जो सत्संग जो भागवत कथा है ये जगत में बड़ा दुर्लभ है। अगर जीवन में एक क्षण जिसको कहते हैं कि एक घड़ी और आधी घड़ी और आधी से उन्नी आध तुलसी सत्संगत नासे कोटि अपराध, अगर जीवन में थोड़ी सी समय भी ये सत्संग सुनने को मिल जाए जी की, शंकर जी कहते पार्वती उसका जीवन धन्य हो जाता। इसलिए जो भागवत कथा पार्वती जगत में बड़ा दुर्लभ है। फिर माता पार्वती प्रश्न करती है, बोले प्रभु आप कहते हो भागवत कथा दुर्लभ है, दुर्लभता है, देखो कितना सुलभ हो गया। माता जी ने कथा रखवाया, सबको निमंत्रण दिया, कथा में आओ कथा सुनो, कभी दुर्लभ कहते सुलभ हो गया कथा, कथा तो सुलभ हो गया ना। लेकिन देखो शंकर जी बड़े महत्वपूर्ण बात कहते, भले आबते सरअति कठिनाई, राम कृपा शंकर जी कहते पार्वती अगर यहाँ पर पता किसी को चली जाए, यहाँ पर हेमा मालिनी आ रही, अगर किसको पता चले शाहरुख खान सलमान आ रहा है, यहाँ पर कोई हीरो हीरोइन आ रहा है, अगर किसको पता चले बताओ प्यार रखने का जाना होगा कि नहीं, बोलो। टिकट टिकट लेने पर भी आपको वहाँ आ नहीं सकते हो, इतने भीड़ हो जाएगी। लेकिन शंकर जी कहते हैं पार्वती अगर किसको बोले भगवान की कथा हो रही है, भागवत कथा हो रही है, कथा सुनने के लिए आओ ना, शंकर जी कहते हैं पार्वती आप तो यही सर अति कठिनाई, यहाँ पर कोई नहीं आए, कभी यहाँ पर कोई नहीं आएगा, लेकिन उल्टा पुल्टा कोई बात हो ना, देखना इतने भीड़ भड़का लग जाएगा, वहाँ प्यार रखने की जगह भी नहीं मिलेगी, है प्यार रखने की जगह नहीं मिलेगी। फिर माता पार्वती फिर प्रश्न करते, देखो ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग ध्यान देकर सुनो, ये पार्वती कह रही हम नहीं कह रहे, और शंकर जी इसका उत्तर दे रहे हैं। तब फिर माता पार्वती कहती है प्रभु ये बताओ, फिर ये भागवत कथा में सत्संग में कौन कौन आते हैं कथा सुनने के लिए, कौन कौन ये सत्संग भागवत कथा में आ सकते हैं? शंकर जी कहते हैं बोले अति हरि कृपा पर जिसको पर मैं अति हरी कृपा जा कर हूँ, थोड़ी बड़ी कृपा नहीं शंकर, जिसको पर मैं ठाकुर जी की डायरेक्ट कृपा हो जाए पार्वती पाप दही दिया संगत से, वही व्यक्ति ये कथा में आ सकते हैं। उदाहरण देखिए समझाया, मानो तुम्हारे घर में शादी हो रही है, आप बताओ उसमें कौन आएगा? आप जिसको निमंत्रण दोगे वही आएगा। अगर भले ही वो अमेरिका में क्यों नहीं हो, वो लंदन फ्रांस में भी क्यों नहीं हो, अगर आप उसको निमंत्रण कार्ड दोगे ना वो वहां से भी आएगा। लेकिन तुम्हारे घर को पास में कोई व्यक्ति रह रहा है, एकदम घर की ना इंच की दीवार को पास में,
लेकिन आप उसको निमंत्रण नहीं दो, वो व्यक्ति आएगा? बोलो, वो व्यक्ति आएगा? वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप उसको निमंत्रण नहीं दिया। इसलिए यहाँ शंकर जी कहते पार्वती, वही व्यक्ति ये भागवत कथा में आ सकते हैं जिसको बांके बिहारी ने निमंत्रण दिया। बांके बिहारी ने जिसको निमंत्रण पत्र दिया है हमारी भागवत कथा में, तुम लोग आओ कथा सुनने के लिए, हैं? वही व्यक्ति ही ये कथा में आ सकते हैं। ये कथा में सभी नहीं आ सकते। इसलिए मानो आप लोग जो कथा में आए ना, ठाकुर जी ने आपको निमंत्रण भेजा है, भागवत कथा हो रही है, आप लोग आओ, इसलिए आप लोग ने यहाँ पर आए हो। एक बार भागवत की जयकार लगा, बोले श्रीमद भागवत कथा मृता मुखी जय हो। हम लोग जयकार में आनंद नहीं आया, कोई जय कौ कोई हे बोल रहे, जोर से बोलो, बोले श्रीमद भागवत कथा मृता मुखी जय हो। इसलिए जब भगवान कृष्ण बंसी वट को नीचे खड़े होकर के ठाकुर जी ने बंसरी बजाए, लेकिन जब बंसरी बजाए ना, लेकिन ब्रज में तो बहुत लोग थे, लेकिन वो रासलीला में कौन कौन आए हैं? रासलीला में सभी नहीं आए थे। ठाकुर जी जिसको बुला रहे थे ना, वही व्यक्ति ही वो रास में आए। लेकिन जब गोपियों ने रास में आई है, कृष्ण क्या कहते हैं? बोले स्वागतमे महाभागा, भगवान को स्वागत कहते हैं। बोले जगत में तुम लोग बड़े सौभाग्यवती हो, संसार का सारे काम धाम, संसार का सारे बंधन को तोड़ करके तुम लोग ये रास में सम्मिलित हुए। भगवान को स्वागत करते हैं ठाकुर जी। तात्पर्य क्या है? देखो, आप सबका घर में भी काम होगा, एक नहीं घर में काम, बताओ किसको घर में काम नहीं है? सब घर में कुछ ना कुछ काम है, लेकिन जो व्यक्ति सारे काम को पीछे रख करके ये भागवत कथा में आते हैं ना, ठाकुर जी उनको स्वागत करते हैं। तुम लोग बड़े सौभाग्यवान हो, सब काम को पीछे रख करके तुम लोग ये भागवत कथा में आप लोग आए। इसलिए ये भागवत कथा बड़े भाग्यशालियों को ये भागवत कथा सुनने को प्राप्त होता है। अभी प्रश्न होता है, ये भागवत कथा कितने क्यों महत्व है? ये भागवत कथा कितने क्यों महत्व है? और ये भागवत कथा सुनने से हमें क्या मिलेगा? हम कलयुग का जीव है ना, जब तक फायदा नहीं देखते ना, कोई काम नहीं करते। सबसे पहले हम देखते हैं जहाँ जाने से हमें लाभ मिलेगा, तब तो कोई बन जाते हैं ना। अगर पता चले कि बिजनेस में इतने करोड़ रुपया लाभ होगा, तो दिन रात बराबर काम करके फिर हम पैसा कमाएंगे। इसलिए यदि ये भागवत सुनने से क्या मिलेगा, तो भागवत में ये राधा रानी ये बात को कहती हैं, जो व्यक्ति ये भागवत सुनेगा उसको सात फायदा होगा। कितना फायदा होगा, क्या क्या बोलूंगा? अभी आज मैं बोलूंगा, कल नाम से सुनना, ठीक है? मैं देखूंगा कल मेरे को कौन बोल पाता, जो बोलेगा ना उसको मैं इनाम दूंगा। और ये बात को कौन कह रही है? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात को श्री राधा रानी ये स्वयं कहती है। बोले कब कह रही है? बोले जिस समय भगवान ने रास से अंतर ध्यान हो गए, गोपियों ने कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कृष्ण मिले ही नहीं। गोपियों ने कहा, देखो ठाकुर को उसका भजन सबसे प्यारा है, चलो हम जमुना किनारा में बैठ गए, उनको कीर्तन करेंगे, भजन गाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी को उसको भजन सबसे प्यारा लगती है। उसी समय में राधा रानी ये कृष्ण कथा की, ये भागवत कथा सुनने से क्या लाभ है? तब ये राधा रानी स्वयं कहती हैं, भले क्या कहती हैं? भले तब कथा मृता Oh,
देखो कहते कथा सुनने का जो पहला लाभ है, कहते ये कथा को जो सुनेगा ना सबसे पहले वो अमर हो जाएगा। इसलिए ये भागवत का एक नाम अमर कथा आप लोगों सुने होंगे। माता पार्वती व शंकर जी ये अमरनाथ में ये कथा सुनाए थे, इसलिए इसका नाम अमर कथा। बोले क्यों सुना? देखो कथा की कितने महत्व है। बोले एक समय श्री नारद जी भ्रमण करते करते कैलाश में पहुंचे। उसी समय श्री शंकर जी सत्संग में गए हुए थे, घर में माता पार्वती थी। जब श्री नारद जी पहुंचे, भैया पार्वती उनको स्वागत करके बैठा है। हम सब कहते ना तो क्या नारद जी का काम कर रहे हो, हर कोई बोलते ना मतलब तुम क्या झगड़ा लगा रहे हो। तो इसलिए नारद जी का नाम बड़ा बदनाम जगत है, लेकिन ऐसे नहीं है। ये नारद जी के बगैर भगवान का कोई लीला ही नहीं। रामलीला देखो, कृष्ण कोई भी चीज देखो है ना, ये नारद का बगैर कुछ लीला ही साधुता नहीं होता। वो कभी झगड़ा नहीं लगाते हैं, वो ऐसे कुछ काम करते ही ठाकुर जी कोई नई लीला प्रकट हो जाकर नारद जी आनंद लेते। इतने में नारद जी माता जी को पूछे, बोले माता जी ठीक ठाक हो? बोले बेटा तेरे आशीर्वाद से ठीक ठाक हूँ। बोले कैसे ठीक ठाक हो? बोले देखो वही स्त्री सुहागिनी है जिस स्त्री को पति प्यार करता है। अगर किसी स्त्री को अगर पति प्यार नहीं करता तो सबसे दुर्भाग्य। इसलिए शंकर जी मेरे को बड़ा प्यार करते हैं। बोले क्या प्यार करते हैं? बोले कहीं भी अगर सत्संग सुन करके आते हैं शंकर जी, सबसे पहले मेरे को सुनाते हैं। इसलिए आप जितने ग्रंथ देखो, जितने पुराण देखो, तो क्या है माता पार्वती सुन रही हैं और शंकर जी सुना रहे हैं। सारे ग्रंथ देखो, इसलिए शंकर जी मेरे को बड़े प्यार करते, बड़े प्रेम करते हैं। लेकिन नारद जी तो ये भागवत को प्रकाश करने के लिए आए थे। बोले माता जी देखो प्यार तो करते हैं, लेकिन आपको दिल से नहीं करते हैं, ऊपर ऊपर से करते हैं, आपको दिल से नहीं करते। बोले नारद जी और आगे बरामद, हमने सुना आप जहाँ जाते हो झगड़ा लगा देते हो। भैया आप पति पत्नी बड़े प्रेम से रहे, झगड़ा लगा करो। बोले नहीं मैं सही बता रहा हूँ आपको, पता है? बोले क्या बात बताओ। बोले शंकर जी की और भी कोई पत्नी तुम्हें पता है? और भी शंकर और किसको प्रेम करते तुमको पता है? देखो स्त्रियां हर चीज को हजम कर सकती हैं, लेकिन किसी स्त्री को पता चले मेरे पति अंदर अंदर में और किसको प्रेम करते हैं, पत्नी कभी भी ये चीज को हजम नहीं कर सकती, कभी भी हजम नहीं कर सकती। जब उन्होंने बोले शंकर जी और भी किसको अंदर अंदर में प्रेम करते हैं, बोले भैया कैसे आप कैसे बता रहे हो? बोले देखो जब शंकर जी आज घर में आए, एक काम करना, ये सारे अलंकार उतार करके मान भवन में सो जा। जब शंकर जी पूछे ना एक बात को, बोले कौन सा बात? बोले देखना शंकर जी के गले में एक मुंड की माला देखे हो? बोले हाँ। बोले बता सकते हो मुंड की माला किसकी? बोले नहीं। बोले आज शंकर जी को पूछ लेना सारे बात पता चल जाएगा तुमको। बास नारद जी हमें झगड़ा लगाए, अरे नारद जी वहां से भाग गए। जब भाग रहे थे इतने में शंकर जी आ रहे थे। बोले नारद बोला थोड़ा रुक जाओ रुक जाओ। बोले आज बहुत जरूरी काम है, पास में समय नहीं। वो समझ गए भैया हो ना कुछ गड़बड़ी करके आए। लेकिन सचमुच से जब आए देखा माता पार्वती मान हो गए। लेकिन इतने में शंकर जी जाकर के उसको शरीर पर हाथ रखे ना, पार्वती का हाथ को फेंक दी। बोले भैया क्या हो गया? बोले मैं तो सोच रही थी आप बड़े शंकर जी को तो भोले बाबा कहते हैं ना। बोले आज तक मेरे को पता चला भोले नहीं आप तो कपटी बाबा। बोले मतलब क्या? बोले मतलब क्या? बोले बताओ क्या बात है? हैं? बोले ये बताओ मैंने सुना आप और किसको भी प्रेम कर रहे हो अंदर अंदर से, हमें तो ये बात पता नहीं था। बोले तुम कैसे बता रहे हो? बोले देखो मेरे गुरु जी नारद जी मेरे को बात बताए। बोले तो यही तो सोच रहा था नारद जी बात क्यों नहीं सुन रहे थे हैं? बोले ये बताओ तुम आपके गले में जो मुंड की माला किसको बोल रहे बताओ, ये बात मेरे को तो कहीं आपने बताई नहीं। बोले देखो पार्वती की जो मुंड की माला ये तेरी है। बोले मेरी मेरे मुंड तो मेरे शरीर में, आपके गले में कैसे रहे? बोले देखो पार्वती तुमने पूर्व जन्म में सब पी लिया। एक समय तुम्हारे पिताजी कभी प्रयाग में उन्होंने सारे देवता लोग को एकत्रित हुए
और जब उन्होंने आए, मैंने खड़े होकर के सम्मान नहीं की, मेरे को अपमान करने के लिए कंखल में जगह करवाई और वहां पर भी मेरे को अपमान की, तो तुमने इस शरीर द्वार में शरीर त्याग दिया है। आपको पता होगा सती ने शरीर त्याग दी, बोले एक जन्म नहीं, तुमने कितने जन्म से ये शरीर को त्याग देती हो, चूंकि मैं तेरे को बहुत प्रेम करता हूँ, जब जब तुम ये शरीर त्याग देती हो तब तक मैंने तेरे मुंडों को माला रूप में धारण करते हुए गले में पहन लेता हूँ। पार्वती बोली प्रभु मैं तो सोच रही कि आप कोई छोटे मोटे कपटी हो, अभी मेरे को पता चला आप तो सबसे बड़े कपटी। बोले कैसे? बोले आप ये बताओ, आप ऐसे कौन सा अमर बोटी को आपने पान किया जो अमर बन गया? अब मैं मरती जा रही, बताओ ऐसे कौन सा अमर बोटी को पान किया? शंकर जी ने कहा पार्वती जब से मैंने ये श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमर बोटी को मैंने पान किया तब से मैंने ये अमरत्व को प्राप्त किया। पार्वती बोली प्रभु मेरे को भी सुना दो, फिर आप भी अमर रहोगे मैं भी अमर रहूंगा, दोनों आनंद में रहेंगे हैं। शंकर जी बोले ठीक है पार्वती, चलो मैं तुमको अमरनाथ में ले चलता हूँ, वहीं पर बटवृक्षों के नीचे वहीं पर बैठा कर तुमको मैं ये भागवत कथा में श्रवण कराऊंगा। बोले देखो पार्वती, मैं जब कथा सुनाऊंगा आंख बंद करके सुनाऊंगा, तुम हुंकार भरते रहना। बोले ठीक है प्रभु जी। शंकर जी जयकार दिए, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। आप लोगों का जयकार में आनंद नहीं आता, देखो एक चीज समझो, जैसे हम भगवान की जयकार करते हैं, क्या भगवान की जयकार नहीं है? भगवान का तो जय जयकार होता है, बल्कि उनको जयकार जो जितने जोर से देता है ना उसका उतना ही पाप कट जाता है, उसका ही जयकार होता है, हैं? भगवान की तो जय जयकार है ही है, लेकिन जो उनकी जयकार जितने जोर से दोगे इतना पाप जाएगी और तुम्हारी जयकार होगी। एक बार जोर से बोलो बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। अब लगना जयकार इतने में उन्होंने क्या क्या, उन्होंने भागवत कथा सुनाते रहे और जो सुख श्री माता जी हुंकार भर रही थी, बड़ी प्यारी कथा है, उसको आगे बोलो, उसको बाद में किया हुआ, उसको बाद बोले बाबा वो तो सुनाते सुनाते ही जा रहे। इतने में जब फिर उन्होंने कथा विस्तार हो गई, लेकिन बीच में माता पार्वती सो गई, लेकिन जब सो गई ना उसी वृक्षों को करके तोता भी बैठ कर कथा सुन रहा था। तोता ने देखा माता जी हुंकार भरना बंद हो गया, शंकर जी बंद कर देंगे, बीच में मेरी कथा भी अधूरी रह जाएगी। इतने में वो तोता भी हुंकार भर रहा, बड़ी प्यारी कथा, उसको बाद में क्या हुआ उसको आगे बोलो, भोले बाबा को सुना तो सुना दी जा रहे। जब कथा विश्राम हो गई फिर शंकर जी जयकार देते हैं, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। भैया पार्वती जग गई, बोले उसको बाद में क्या, बोले उसको बाद में कथा तो समाप्त हो गया। बोले नहीं मैं बीच में सो गई, बोले तो हुंकार भर रहे। बोले नहीं, शंकर जी ने देखा कोई अनधिकारी व्यक्ति को सो नहीं दिया, क्योंकि ये भागवत को अमर कथा कहते हैं, अमर मतलब जो सुनेगा वो अमर बन जाएगा, लेकिन कोई दुष्ट व्यक्ति अगर कथा को सुन ले, अगर वो अमर हो जाए भैया दुनिया का हानिकार हो जाएगा। शंकर जी ने देखा, सुनी तो सुनी किसने, देखा वो पेड़ के ऊपर में तोता बैठ करके सुन रहे हैं। शंकर जी उठाया त्रिशूल, उसको मारने के लिए पीछा दी और उड़ते जाए, शंकर जी पीछा नहीं छोड़ रहे। उड़ते उड़ते जब उन्होंने बद्री का आश्रम पर पहुंचे, वहां पर श्री व्यास ने अपना पत्नी पीटका को यही कथा सुना रहे, और वो ऐसे जैसे होता है ना मुंह खोल करके भाव में आविष्ट होकर कथा सुन रही थी, वो तोता वहीं पर गया और सूक्ष्म रूप धारण करते हुए उनकी अंदर में प्रवेश कर गया। उन्होंने देखा भैया तोता यहीं कहीं गायब हो गया। व्यास देवती ने पूछे भोले बाबा कहाँ से बात कर रहे हो, शरीर में पसीना पसीना बह रहे। बोले बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले एक तोता ने अमर कथा सुन ली। बोले अमर कथा का मतलब क्या, जो सुनेगा मरेगा नहीं। बोले फिर आप पीछा क्यों कर रहे हो, आप स्वयं कह रहे हो इसका नाम ही अमर कथा, जो सुनेगा मरेगा नहीं, वो सुन लिया कि नहीं? बोले सुन लिया, पर पीछा क्यों कर रहे हो मारने के लिए?
शंकर जी ने देखा भैया बात तो सही बात है, इसने तो कथा सुन ली तो अमर हो गया। इतने में शंकर जी ने देखा अगर ये तोता कोई साधारण होता तो ये कभी भी भागवत कथा नहीं सुन सकता। अभी सुन रहे थे ना, कहते करोड़ों करोड़ों जन्मों का कोई पुण्य हो तभी ये कथा में कोई बैठेगा, नहीं तो एक मिनट भी कथा में मन नहीं लगेगी। लेकिन मेरा टीवी में देखा ना, कोई सिनेमा आए ना 3-3 घंटा हम देख सकते, वो झूठा चीज है। सिनेमा क्या है बता, सही चीज है क्या? वो झूठा चीज है, वो एक रूप में बनाया उसको और उसको देखना 3-3 घंटा बैठ करके देख लेते हैं। लेकिन अगर भगवान की कथा जिसको सुनने से शांति मिलेगा, जिसको शंकर जी कह रहे हैं पार्वती सुन रही है, कन्या एक मिनट भी पार्टी जो होगा ना बैठ कर कथा नहीं सुन सकता। कर जिनको करोड़ों जन्म का पुण्य वही केवल कथा सुन सकते हैं, सब नहीं बैठ सकते हैं। यहाँ पर खुजली लगेगी, उठो उठो कब कथा होगा जले हैं। लेकिन उल्टा पुलटा चीज को 3-3 घंटा देखेंगे बैठ बैठ के, इसलिए भाग्यवाद ही कथा को सुन सकते हैं। इसलिए शंकर जी ने सोचा अगर ये कोई साधारण तोता होता है ना ये कभी भी बैठ गई कथा नहीं सुन सकता। शंकर जी ध्यान लगाए तोता को नहीं, देखो क्या देखा, बोले प्रिया सुत श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांत कनन रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। शंकर जी अपना दृष्टि से क्या देखा, जैसे भगवान राम जब अयोध्या छोड़कर चले गए संपूर्ण अयोध्या वासियों को ठाकुर लेकर गए, लेकिन एक व्यक्ति को उन्होंने लिया नहीं, एक व्यक्ति को यहीं छोड़कर गए। हमको बताया किसको छोड़कर गए थे, बोलो किसको भगवान राम किसको छोड़कर गए थे संसार में? हाँ हनुमान जी को छोड़कर गए। हनुमान अगर तुम चले जाओगे तो फिर ये राम भक्ति की जगत में कौन प्रचार करेगा, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को राम भक्ति प्रचार के लिए छोड़ कर गए। उसी तरह जब राधा कृष्ण दोनों ये गोलोक वृंदावन चले गए उन्होंने इसी तोते को छोड़ कर गए, क्योंकि जो तोता था ठाकुर जी के निकुंज लीला के दर्शन की, कभी कभी राधा रानी को चुंबन करती थी, आना रानी दाना खिलाया करती थी, ठाकुर जी को सारे लीला उसने दर्शन किया। बोला अगर तुम चले जाओगे तो फिर हमारी कृष्ण राधा कृष्ण भक्ति को जगत में कौन प्रचार करेगा, इसलिए उन्होंने उनको छोड़ कर गए। जब छोड़ करके चले गए बड़े दुखी हो गया, दुखी हो करके भटकते भटकते जब उन्होंने पहुंचे अमरनाथ में, देखा शंकर जी यही अमर कथा यही भागवत कथा पार्वती को सुना रहे, फिर वही सुनते हुए सुने सुन करके श्री विटका की गर्भ में प्रवेश किया। शंकर जी ने देखा और यही श्री सुखदेव गोस्वामी बन करके आएंगे हर जगत में ये भागवत कथा सुनाएंगे। शंकर जी ने सब कुछ देख लिया, शंकर जी खुश हो गए, बोले कथा सुनाना मेरा धन्य हो गया है, क्योंकि यही सुखदेव गोस्वामी जगत में ये भागवत धर्म को भक्ति धर्म को जगत में प्रचार और प्रसार करेगा। शंकर जी प्रणाम किए और शंकर जी चले। देखो यहाँ राधा रानी कहती है अगर ये कथा को जो सुनेगा ना पहला लाभ है जगत में वो अमर बनेगा, जिसको सुन करके आप और हमारी बात को छोड़ दो, शंकर जी स्वयं कहने पार्वती इसी कथा को सुन करके ही मैंने अमर बना। माता पार्वती इसको पहले शरीर छोड़ी, लेकिन कब तक शरीर छोड़ी, जब तक उसने कथा नहीं सुनी, जब से माता पार्वती कथा सुनी तब से शरीर को उन्होंने नहीं छोड़ते हैं। इसलिए अगर हम भी ये कथा सुनेंगे ना हम भी जगत में अमर ही बन जाएंगे। देखो जितने देखो सुखदेव गोस्वामी, देखो तुलसीदास जी का, देखो हनुमान जी का, देखो मीरा बाई का, देखो अमर बन गए कि नहीं, ये लिख सकते अमर बने कि नहीं। अगर हम भी कथा सुनेंगे ना हम भी ऐसे जगत में अमरत्व को हम भी प्राप्त करेंगे। ये कथा सुनने का पहला लाभ है। कहते दूसरा लाभ अभी याद रहेगा, कल मैं पूछूंगा, देखो कौन मेरे को बोलता है, जो बोलेगा उसको मैं इनाम दूंगा, ठीक है। पहला लाभ ये है, बोले दूसरा लाभ क्या है, बोले तप्त जीवनम। दूसरा लाभ है हम संसार में सब दुखी है, जगत में कोई सुखी नहीं, कोई तन से दुखी होगा, कोई मन से होगा दुखी, कोई धन से दुखी होगा, कोई बेटा से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई सास से दुखी,
कोई ननद से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई काम से दुखी, देखे ना सबके सब हम संसार में दुखी दुखी है। लेकिन यहाँ पर से सुखदेव गोस्वामी कहते जो कथा सुनेगा ना वो संपूर्ण आनंद को प्राप्त करेगा, जीवन में वो सुखी सुखी हो जाएगा। देखो इसकी प्रमाण, देखो इसका प्रमाण अभी देख लो, हम संसार में सब दुखी है, कोई भी सुखी नहीं संसार में। लेकिन देखना यहाँ दो तीन घंटा पहले रहोगे ना, आप बताओ अभी संसार का कोई दुख की बात तुम्हें याद है? कोई संसार का दुख की बात अभी याद आ रही है या नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि जो कथा सुनते हैं ना वो बांके बिहार की गोद में बैठे हुए, वो ठाकुर जी गोद में बैठे हो तब तक सुखी रहोगे जब तक कथा में बैठे हो। लेकिन ये गेट को तुम पार कर दो, केवल इसी गेट को पार कर दो, पार करते ही संसार संसार में जाने पर ये बुद्धि ये समस्या, घर में जाएगा तो ये दिक्कत है, घर में ये होगा। आप केवल गेट पार करते ही ना सारे दुख आकर पहाड़ जैसे सर पर बैठ जाएगा। लेकिन जब तक देखना ये हाल को अंदर में बैठे रहोगे ना सारे दुख कष्ट से दूर रहोगे, क्योंकि जो कथा सुन नहीं रहे हो ठाकुर जी गोद में यहाँ पर बैठे हो। इसलिए कहते दूसरा लाभ है तप्त जीवनम, ये जो उत्तप्त जीवन है दुखमय जीवन है तुम्हारी समाप्त हो जाएगी अगर ये भगवान की कथा सुनेंगे तो। बोले तीसरा लाभ क्या है? कहते श्रवण मंगलम, कितना मंगल होना अमंगल हरि ठाकुर जी का कथा, जो भगवान की कथा सुनने का मात्र से ही तुम्हारे जीवन में मंगल होना शुरू हो गया, सारे अमंगल दूर होना शुरू हो गया। लेकिन जगत में जैसे जैसे रामदेव बाबा का योगा देखे हो, कौन कौन योगा देखे रामदेव बाबा का, लेकिन योगा जब तक नहीं करोगे ना तब तक सुनने पर फल नहीं होगा, करने पर तुमको फल मिलेगा। कोई भी जगत में कोई भी काम हो जब तक नहीं करोगे तुमको फल नहीं मिलेगा। लेकिन जो भगवान की जो कथा है ना केवल सुनने का साथ साथ ही तुम्हारा मंगल शुरू हो गया, इसमें तुमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं। आगे छोटी सी कथा सुन लो, हमारे गुरु जी सुनाते थे बोला अनजान में भी कथा में बैठी गई, तुमको पता नहीं कथा पता होता है क्या? अगर अनजान में भी कथा में बैठी गई तो कितना लाभ। देखो हमारे गुरु जी कथा सुनाते थे, देखो आज हम कथा की महात्म को सुनेंगे, क्योंकि फिर आपको पता चलेगा हम कथा सुनने से क्या लाभ है। ठीक है, इसलिए एक समय कोई एक फेरी वाला था, गाँव से गाँव जा जाकर अपना सामान को बेचता था। एक दिन बड़े दूर चला गया गाँव को दूर में, बोले भैया यहाँ रात को कहीं रुक सकता हूँ? बोले हाँ यहाँ पर ठाकुर मंदिर में यहाँ पर रुको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो गाँव का नियम था शाम को सबके सब लोग एकत्रित होकर के भगवान की कीर्तन करते थे, ठाकुर जी की कथा होती थी। वो व्यक्ति जब वहाँ रुकने के लिए गया देखा पूरा गाँव में गाँव के लोग सबके सब आ गए और बैठ करके बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय I'm not sure if you're going to be able to do that.
उदाहरण दिए हैं, जैसे आपका घर में आपका कोई प्रिय कोई बंधु आए, देखा कोई नहीं, सबसे ज्यादा हमारे प्यारे कौन है? भगवान। कहते ना, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें भगवान की कथा कानों से हृदय में जाते हैं। अगर हमारे हृदय में जो काम क्रोध साफ करके हृदय में बैठ जाएंगे, वो व्यक्ति कथा सुनते सुनते वहीं से ही मैंने भगवत धाम को चले गए, और जो जम दूध थे ना खाली हाथ से वापस आए। देखो, अनजान में एक व्यक्ति एक घंटा भगवान की कथा सुना तो कितना लाभ, सौंदर्य सब कुछ जीवन उसको मिलेगा। और दा मतलब होता है जो भगवान की कथा सुनेगा उसकी संसार का बंधन उसकी नष्ट हो जाएगी। इसलिए यहाँ राधा रानी कहती है, श्याम सुंदर जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है, कोई अन्न छत्र खोल दे, लेकिन जगत में सबसे बड़ा दान क्या है? बोले भूरी दाय जना, कहती है भागवत कथा को जो दान कहते हैं, इससे बड़ा दान दुनिया में कुछ है नहीं। ये जगत में सबसे बड़ा दान ये भागवत कथा दान। इसलिए दान तमाल वर्ण सुहृदावकार अनसार सेतु भजा मैं भागवत स्वरूपम। बोले ये जो श्रीमद भागवत है, बोले तमादि देवं करुणा निदानम, यदि ये श्रीमद भागवत ग्रंथ और भगवान में कोई फर्क नहीं है। इसलिए जिस समय भगवान मेरे साथ में साक्षात तुम्हारी मिलन होगा, कथा सुनना मतलब ठाकुर जी को प्राप्त करना, ठाकुर जी से मिलना है। इसलिए बोले तमादि देवम, यदि जो श्रीमद भागवत ग्रंथ है, जैसे श्रीमद भगवान कृष्ण, बोले भगवान कृष्ण कौन है? बोले परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण। बोले भगवान जो कृष्ण, समस्त कारण का जो मूल कारण है ये भगवान कृष्ण। उसी तरह कदे जो श्रीमद ये भागवत नहीं, ये कल्प वृक्ष है। आप कल्प वृक्ष को नीचे बैठे हो, जो कुछ ये भागवत से मांगोगे, ये भागवत कथा आपको सारी इच्छाओं को 7 दिन में ये पूरी करने वाले। बोले यहाँ तक भी बोले श्रुत अनुपठित अनुमोदित सत्य पुनाति सद्धर्म जानती विश्वद्रोह अभी। जगत में आप जितने बड़े पाप कर्म क्यों नहीं किए हो, अगर आपने देव द्रोह किया है, अपने राज वापस मुक्त होकर के भगवत चरण को वो प्राप्त कर लेता है, कितना मात्र बोलते। इसलिए ये भागवत को कृष्ण अभीर्ण मानी गई। इसलिए पद्म पुराण में बताती है, बोले पादो जदीय प्रथम द्वितीय, कहते भागवत में द्वादश स्कंद है, 12 खंड है। कहते प्रथम द्वितीय खंड किया, बोले बांके बिहार की 2 चरण है, तृतीय चतुर्थ स्कंद भगवान की 2 उरु है, पंचम स्कंद नाभि है, षष्ठ सप्तम स्कंद 2 भुजा है, ठाकुर जी की कक्षा स्थल, नवम स्कंद उनकी कंठ, दसम स्कंद उनकी मुखार बिंद, एकादश स्कंद उनकी ललार, और द्वादश स्कंद ठाकुर जी का सर है। यदि ये भागवत नहीं, भगवान की 12 अंग विशिष्ट ये श्रीमद भागवत है। एक बार जयकार करो, सुखदेव गोस्वामी क्या बोले, तेरे को कुछ भी करने का जरूरत है, कोई धर्म कर्म तपस्या कुछ भी करने का जरूरत है, यहाँ बैठ और केवल तपस्या, केवल कथा तो श्रवण कर लो। कथा श्रवण करते करते जब तक तुमको ये अनुभूति नहीं हुई मैं संसार से पार हो गया, तब तक मैं नहीं चलूंगा। और सचमुच से उन्होंने कुछ भी नहीं किया, केवल उन्होंने भागवत कथा सुनी, और जब भागवत कथा की विश्राम हुई, अगर हम भी 7 दिन तक ये भागवत कथा सुनेंगे तो हमें भी भगवत चरण में भगवत प्रेम और हमें भी भगवत प्राप्ति जरूर हमें भी होएगा। इसलिए कहते हैं कि हमें
पुराण में, क्योंकि ये दो पुराण में भागवत कथा की महिमा आती है। कहते भैया भागवत तो कृष्ण स्वरूप है, पर इसकी महिमा क्यों फिर आ रही है? यद्यपि भागवत कृष्ण हमारी रुचि नहीं होता है, इसलिए भागवत की दो पुराण में इसकी महिमा बताई। लेकिन कथा कैसे सुननी चाहिए? परिचित महाराज की कथा सुनकर भगवत प्राप्ति हो गई। बोले कथा में कैसे सुननी चाहिए? तब उन्होंने श्रोता के लक्षण बताए। कहते हंस, जैसे हंसों को आप दूध दोगे ना, आप देखना हंस में एक विशेष गुण है, वो दूध दूध को तो पी लेता है लेकिन पानी पान को छोड़ देता है। इसलिए हमें कथा के लिए हमें दूध दूध को लो और पानी पानी को त्याग करें। दूसरा नंबर है कहते मधुमक्खी। कहते एक मक्खी और एक मधुमक्खी, आप बताओ मक्खी कहाँ बैठती है? गद्दी जी में बैठेगा, लेकिन मधुमक्खी कहाँ बैठता है? फूल। इसलिए कहते हमें मक्खी नहीं होकर हमें चाहिए। जैसे मधुमक्खी भले ही किसी कांटा की वृक्ष में फूल के नहीं हो, आप देखना मधुमक्खी वहां भी बैठ करके वो शहद शहद को लेकर के एक सुंदर छत्ता बना देती है, और वो शहद से क्या होता है? ठाकुर जी की अभिषेक होता है, ठाकुर जी को सेवा पलव है, उसका आठ हाथ में खुली हुई रहती है। इसका मतलब कथा के अंदर सुननी चाहिए मछली के, जैसे मछली बिना पलक झपाए हुए जैसे टकटक लगाकर देखती हैं, कथा हमें ऐसे सुननी चाहिए एक मन से हमें कथा, हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए। ऐसे नहीं बैठ करके सारा दुनिया की बिना मतलब की उसकी चुगली उसकी बुराई सारा दुनिया की बात तक नहीं। भैया ये जीवन अनमोल जीवन ठाकुर दिया, 84 लक्ष जन्मों के बाद में जीवन मिला, ये जीवन को ऐसे नहीं बिताने चाहिए हैं। इस जीवन को भगवान की कथा सुन करके भगवान के नाम को करके ये जीवन को हमें बिताने चाहिए। एक बार हाथ उठा करके बोलो बोल हरे कच्चा फल में कभी चोंच नहीं मारेगा, उसको पता कौन सा फल मीठा और कच्चा उसको पता है, वो चोंच मारेगा तो पक्का हुआ फल में ही चोंच मारेगा। मतलब क्या है? बोले भैया मुंह जहां का नहीं मारनी चाहिए, समझ रहे हो ना, मुंह जहां का नहीं मारनी चाहिए, मुंह तो केवल मीठा फल में मारो, और मीठा फल क्या? बोले भगवान की भक्ति ठाकुर का प्रेम में ही मुंह मारो। मतलब बोलो तो ठाकुर जी की कीर्तन भगवान की कथा ही बोलो, दुनिया की कथा को मत कहा करो। इसलिए ये हो गया चार तरह का अच्छे श्रोता, बोले चार तरह का कनिष्ठ साधारण श्रोता है। पहला नंबर है भूरंग, ये रहता है हिमालय पर्वत में, इसका एक विशेष गुण है, उसको आप जैसे बोलो ना ठीक वैसे आपको दोबारा सुना देगा, वो सुनता है और सुना भी देता है, लेकिन वो करते समय ना पूरा उल्टा करेगा, वो एक अक्षर भी अपना जीवन में नहीं उतारता है, बोलेगा सुना भी देगा सुनेगा लेकिन अपना जीवन में कभी उतारता नहीं, ये इसको बताइए साधारण श्रोता है। दूसरा नंबर है ऊंट, ऊंट तो आप लोग देखे होंगे, देखे वो ऊंट, आप देखा ना कि ऊंट को कोई बढ़िया बढ़िया कोमल कोमल कोई आम की पत्ता उठाएगा नहीं, कौन सा देखे खाता है? आम के बबुल का पेड़, कहाँ बबुल का पेड़, वो बबुल का पेड़ को खाकर मुंह से खून निकलेगा, उसको अपना खून को पिएगा, क्या स्वाद है। मतलब जो भगवान की प्यारी प्यारी कथा, जिन कथा को सुनने से आत्मा को शांति मिलेगी परम आनंद मिलेगा, वो ठाकुर कथा नहीं सुनेगा, दुनिया की कथा सुनेगा। जिस कथा सुन करके दुखी दुखी हो जाए ना, उसी कथा को दुनिया की कथा बैठे बोलेगा, लेकिन ठाकुर जी की कथा नहीं बोलेगा। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर बताए ये भेड़िया, एक छोटा जाति का बाघ होता है, जब कोई हिरण बड़ी सुंदर सुलीली शब्द सुनकर मुग्ध हो जाता है, वो उसी समय में उसके ऊपर आक्रमण करता है। मतलब क्या है?
जगत में ऐसे को जो श्रोता लोग हैं वो खुद तो कथा सुनते नहीं, लेकिन जो पार्ट्स में बैठ करके अगर कोई कथा सुन रहा है ना उसको भी सुनने नहीं गई, जो बिना कारण है उसको तेरे घर में क्या हुआ था, तेरे को पता है इसका छोरा ने क्या मिला था, उसको छोरी क्या कर रही थी, वो सुनेगा नहीं बिना कारण से, पास में जो सुन रहा है उसको भी सुनने नहीं देगा, इसको कहते हैं भेड़िया। और जो चौथा नंबर बताए बेल, बेल को बड़े सुंदर सुंदर फल दो नहीं तो उसको घास भूसा दे दो, ये दोनों में कोई फर्क नहीं समझता है, वो दोनों को जो बराबर मानता है, मतलब भले ही भगवान की कथा हो नहीं तो भले ही दुनियादारी की कथा हो इसमें कोई फर्क नहीं समझ करके दोनों को जो बराबर मानता है वो बेल है। इसलिए बोले चार तरह का ये घटिया श्रोता है, लेकिन जो भागवत कथा चार तरह का है, एक सात्विक, एक राजसी, एक तामसी और एक निर्गुण है। बोले सात्विक कथा किसको कहते हैं, बोले सात्विक कथा उसको कहते हैं जैसे एक महीना कथा सुने, दो महीना कथा सुने, मन लगे सुने, लेकिन उसको बाद में फिर कथा से कोई मतलब नहीं। कहते राजस की कथा किसको कहते हैं, जैसे कथा की व्यवस्था किया, सबको बुलाए, भागवत कथा हो रही है आओ कथा सुनने के लिए, सबको निमंत्रण देगा लेकिन खुद बैठ कर नहीं सुनते, हाँ इधर उधर व्यवस्था में लग जाएगा लेकिन कथा में कथा बैठ करके नहीं सुनेगा। क्या तामस की कथा किसको कहते हैं, जैसे सात दिन तक कथा हो रही है, कभी इच्छा हो गया बैठ गया, इच्छा नहीं हुआ तो चक्कर लगा के डाल, नहीं तो कथा जब सात दिन को लास्ट में, अरे अगर कथा में नहीं जाएंगे तो फिर परिवार वाले नाराज हो जाएगा, बोले तुम्हारी कथा में नहीं है, उनको उनकी मन को रक्षा करने के लिए चलो पर घूम के आ जाएंगे, इसको कथा नहीं कहते। कथा कथा उसको कहते हैं जिसने कथा को ही अपना जीवन बना दे, अपना कथा को जो जीवन बना दे, कथा ही जिसका जीवन हो जाए, इसलिए कहते हैं एक कथा ही निर्गुण, निर्गुण कथा सही कथा है, जिसको सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले सदा सेव्यम श्रीमती भागवती वार्ता जस्या श्रवण मात्रिना हरिश्चितम समास, बोले जिसने कथा को ही अपना जीवन बना दिया, कथा के बगैर रह ही नहीं सकते हैं। जैसे एक दिन अगर भोजन नहीं करो, जैसे भोजन के बगैर रहा नहीं जाता है, क्योंकि जिसने एक दिन भी अगर कथा नहीं सुने, एक दिन ही अगर प्रभु का भजन नहीं करे, उनको ऐसे लगे आज तो सारा दिन मैंने कुछ किया ही नहीं, आज तो समय बड़ा बेकार चला गया, इसलिए जिसने अपना जीवन कोई कथा बना दी, मतलब नियम करके भागवत हो, रामायण हो, भगवत गीता हो, भक्ति ग्रंथ को जो नियम करके अपना धर्म पढ़े, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो भागवत कथा है, जो श्लोक है, कहते अगर किसी घर में एक श्लोक रोज कोई पढ़ता है, कहते अगर एक श्लोक नहीं इस घर में आधा श्लोक हो, बोले आधा भी नहीं, जिसको घर में एक चौथाई श्लोक अगर भागवत का किसी घर में पढ़ाई होता है, कहते उसको घर में जुगल सरकार ठाकुर जी उसकी घर में ही नित्य विराजमान रहते हैं, इतने महिमा ये भागवत कथा श्लोक पढ़ने का। अगर श्लोक नहीं किसको घर में, अगर ये ग्रंथ है किसको घर में, अगर ये भागवत ग्रंथ है कहते उसको घर में ठाकुर जी स्वयं उसके घर में ग्रंथ रूप में विद्यमान रहते हैं। आप बताओ तो किसके किसको घर में भागवत ग्रंथ है, आप बताओ तो किसके किसी घर में ये भागवत ग्रंथ है, हाँ इसलिए जिसको घर में नहीं होना जरूर ये भागवत ग्रंथ को जरूर अपना घर में रखना, क्योंकि ठाकुर जी कलि युग में ही भागवत रूप में ही ठाकुर जगत में आए हैं। इसलिए देखो एक समय हमारे जो बड़े गुरु जी थे ना, हमारे बड़े गुरु जी को किसी ने कहा गुरु जी बच्चे बात नहीं सुनते, देखना ये घर घर की कहानी, बच्चे बात नहीं सुनते, गुरु जी ने कहा बेटा ये बताओ तुम्हारे घर में रामायण है कि नहीं, बोले नहीं हमारे घर में रामायण नहीं, बोले कभी जिंदगी में रामायण पढ़ेगी नहीं, बोले नहीं, बोले बच्चे को कभी बोले कि नहीं रामायण पढ़, बोले नहीं, तो गुरुदेव ने कहा जो स्वयं रामायण पढ़ेगा नहीं, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाएगा उसको तो यही दुर्गति मिलेगा, क्यों कहाँ पर बताया गया पिता माता की सेवा करनी चाहिए, कहाँ पर बताया गया सवेरे उठ करके पिता माता के चरणों को, कहाँ पर बताया, ये रामायण में ही बताया प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमः, ठाकुर जी सवेरे उठ करके सबसे पहले पिता माता के चरणों को,
हम लोग रामायण देखे हो, कौन कौन रामायण देखा रहे हैं? हम देखना, जब दशरथ महाराज स्वयं कहते हैं, भगवान राम स्वयं जाकर पिताजी के चरण की सेवा करते हैं, भगवान राम स्वयं पिता माता की सेवा करने के लिए 14 साल के लिए कहाँ तक गए? 14 साल के लिए कहाँ गए ठाकुर जी? वनवास गए। आप अपना बेटे को बोले 14 दिन के लिए तू चलेगा मेरे आदेश पालन कर, जाएगा मेरा बेटा 14 साल के लिए हनीमून मनाने तो जा सकता है, लेकिन पिता माता की आदेश को पालन, गुरु जी कहते थे, कारण है हमने बच्चों को कोई संस्कार नहीं दे रहे, खुद रामायण पढ़ते नहीं, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाते हैं, और लेकिन बच्चों को स्मार्टफोन देते, बेटा तू स्मार्टफोन ले ले, हैं 10-20 हज़ार दिया कि स्मार्टफोन देते थे नहीं, इसलिए कहते अगर घर को भगवान की धाम बनाना चाहते हो, अयोध्या बनाना चाहते हो, अयोध्या मतलब क्या, जहाँ युद्ध नहीं होता है, अवध मतलब जहाँ बध कोई होते नहीं, अगर बनाना चाहे तो क्या करो, घर में रामायण हो, बेटा जैसे राम जैसे बेटा हो, बहू जैसे सीता हो, और श्री लव कुश जैसे नाती पोती हो, हैं? तब घर तुम्हारी क्या हो जाएगा, भगवान की धाम बन जाएगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी इसलिए आप लोग भी रामायण पढ़ो, भागवत गीता पढ़ो, और बच्चों को भी अच्छे संस्कार दो। पहला संस्कार पिता माता से पढ़ना, अगर पिता माता भजन करेंगे ना वैसे तभी करेंगे, अगर पिता माता स्वयं महा दिन पर स्मार्टफोन देख रहे हैं, बच्चे को कहते तो मत देखा मत, बच्चे सुनेगा? अगर माता, अगर माता जी अगर माला जप करती, अगर बच्चे को बोला बेटे माला जप कर, बेटा करेगा क्यों, मार पड़ती है ना, इसलिए पहले पिता माता को सुधारना पड़ेगा, फिर बच्चे की बीमारी सुधरे। एक भजन सुनिए, गुरु जी महाराज की जय, आप भगवान की जय, जय जय श्री राम, राधा राधा कृष्ण हो, द्वारका जनो प्यारे, राधा को मैं नहीं कहां भूल के नरक में, राधा जो की चर्चा सर्व निरोगी हो ना, भगवान का कीर्तन में नाचने का भाव होते हैं, और जहाँ भागवत कथा हो रही ना, अगर वहां पर कोई अज्ञान व्यक्ति नाच रहे ना, देखो संसार में हम सब नाच रहे हैं, बता कौन नहीं नाच रहा है, कोई पति के सामने नाचता है, कोई जेठ के सामने, कोई ससुर के सामने, कोई पैसे, सबके सब संसार में हम नाच रहे हैं, लेकिन कहते भैया कब तक दुनिया में नाचोगे, कब तक तुम का नाच में नाचोगे, बोले जब तक भगवान की कीर्तन में कथा में नहीं नाच ले तो, अगर भगवान की कीर्तन में कथा में नाच लो ना, सारे नाचना तुम्हारी बंद हो जाएगी, सारे दुनिया की नाचना बंद हो जाएगी, इसलिए बड़े भाग्य से भगवान का कीर्तन में नाचते।